नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में तकनीकी व संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की रणनीति सफल नजर आई। प्रधान पद पर शकुंतला देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई। इस मौके पर नव निर्वाचित प्रधान शकुंतला को बधाई देते हुए गर्ग ने कहा कि सीएम गहलोत के नेतृत्व में विकास को और अधिक गति मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर अन्य किसी उम्मीदवार ने नामांकन प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी वजह से शकुंतला निर्विरोध चुनी गई। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, कांग्रेस के लीलाराम गरासिया बने प्रधान। आपको बता दें, मतगणना में कुल 15 में से कांग्रेस को 9 और भाजपा को 6 मत मिले हैं। आबू रोड पंचायत पर कांग्रेस के लीलाराम बने प्रधान। आबू रोड पंचायत पर एक बार फिर कांग्रेस का प्रधान बना है। पंचायत समिति में 50 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा। जयपुर की नवसृजित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल में पहली बार प्रधान के लिए चुनाव संपन्न हुए। भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस ने भाजपा को एक वोट से मात दी। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष देवी ने 10 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा की सरोज सेवल ने 9 वोट हासिल किए। इस प्रकार कांग्रेस ने भाजपा को एक वोट से हराया। नव निर्वाचित प्रधान संतोष वर्मा को विधिवत शपथ दिलाई गई है। धान के लिए एक पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। संतोष वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं वो 10-9 से विजयी हुई हैं और सेकंड जो कैंडिडेट हैं वो हैं बीजेपी की, उनको मिले 9 वोट सरोज सेवल। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई आयोजन किए हैं। उनके 44वें जन्मदिवस पर रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में भी आयोजन हुए। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने अपने आवास पर कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। पायलट के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में श्री विजयनगर और रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से दूर दराज से पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जन्मदिवस मनाया। पूर्व विधायक सोना देवी के नेतृत्व में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में वीरेंद्र गुदारा, पूर्व प्रधान हरजिंदर सिंह बराड़, बलदेव सिंह बराड़, ब्लॉक अध्यक्ष लखबीर समरा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। युवा हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट साहब के 44वें जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम तरीके से रायसिंहनगर के ब्लॉक में 6000 वृक्षारोपण प्लस में महान रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। खबर अलवर के बांसूर क्षेत्र से है, जहां मुंजावरा पंचायत में विधायक शकुंतला रावत ने 14 लाख रुपए से निर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक शकुंतला रावत का डीजे के साथ 111 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं ग्रामीण महिलाएं डीजे पर नाचती गाजती नजर आईं। इस मौके पर विधायक रावत ने विधायक कोटे से कराए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां एक कार्यशाला में सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कश्मीर में लागू 370 की धारा हटाई। राम मंदिर के फैसले का देशवासियों ने स्वागत किया। कार्यशाला में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पार्टी में सबका सहयोग जरूरी है, बिना सहयोग से पार्टी मजबूत नहीं बनती है। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, विधानसभा प्रवासी प्रभारी कमलेश दवे ने भी संबोधित किया।
भीलवाड़ा के फुलियाकला से खबर, ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर। आपको बता दें हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तस्वारिया बांसा से जोहरिया रोड की ये घटना बताई जा रही है। ट्रैक्टर मालिक के घर के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। परिजनों और ग्रामीणों का आपको बता दें मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तस्वारिया बांसा से जोहरिया रोड की ये घटना, ट्रैक्टर मालिक के घर के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में कार और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। पिड़ावा पुलिस के मुताबिक सीमावर्ती मध्य प्रदेश के करकड़िया गांव के 10 लोग कार से सवार होकर सावलिया जी दर्शन करने जा रहे थे, तभी दौलतपुर की घाटी पर कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में अरुण नामक युवक की मौत हो गई जबकि घायलों का इलाज जारी है। खबर बीकानेर के लूट कनलसर से है, जहां देर रात एक कार नहर में गिर गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे टोल कार्मिकों ने कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं हाइड्रा की मदद से कार को भी नहर से निकाला गया। कार चालक बाबू सिंह ने बताया कि खारा पुलिया के पास सामने से आ रहे बाइक चालक ने अचानक बाइक को गलत साइड में मोड़ दिया, जिसे बचाने के चक्कर में कार नहर में गिर गई। अलवर जिले की राजगढ़ थाना पुलिस ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैटिंग करके करोड़ों रुपए की ब्लैकमेलिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने नेपाल में भी साइबर ठगी की थी। आरोपियों के कब्जे से करीब 60,000 नगद मिले हैं, साथ ही साथ एंड्रॉइड मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड और एक कार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने कार्रवाई के लिए डिकाय ऑपरेशन कर गैंग को दबोचा है। ये सभी आरोपी दौसा और अलवर जिले के हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सचिव राजगढ़ और साइक्लोन सेल ने एएसपी नॉर्थ विकास सामान के नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग, जिसमें कुछ विक्टिम्स जो हैं वो बाहर देशों के जैसे नेपाल वगैरह के भी हमें मिले हैं, उसकी गैंग को पकड़ा है, जिसके 5 सदस्यों को अभी हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें अजरुद्दीन, आबिद, जफरुद्दीन, गजेंद्र सिंह और वसीम खान को हमने अरेस्ट किया है। ये लोग अश्लील चैटिंग की वीडियो बनाकर विक्टिम्स को, कंप्लेनेंट्स को ब्लैकमेल करते थे कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे और उनसे पैसे ऐंठते थे। फर्जी सिम और फर्जी अकाउंट खोलकर भी देने वाले लोगों को हमने इस गैंग में पकड़ा है। खबर टोंक के निवाई क्षेत्र से है, जहां दादो विहार कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि महिला रेखा अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पति राकेश ने ओझा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पीहर पक्ष के आने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में पीड़िता ने पड़ोसी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी राजू उर्फ दीनदयाल और उसके साथियों ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाने में नाबालिग छात्रा ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि मुख्य आरोपी राजू उर्फ दीनदयाल और उसके साथी डरा धमका कर दिल्ली ले गए और फिर सभी ने दुष्कर्म किया। मामले की जांच में ही सामने आएगा केस के कितने आरोपी हैं।
बच्ची है, नाबालिग लड़की है, उसने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया था कि ये मेरे को 2 साल से संबंध है, इससे गैरकानूनी इलीगल रिलेशन थे, तो दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़के को जो मुख्य आरोपी बताया राजू उर्फ दीनदयाल, उसको दस्तयाब कर लिया गया है और बाकी जो भी इसमें आरोपी है उनका उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। लड़के को आज पेश करके पीसी ली जाएगी, पीसी के बाद में क्लियर हो पाएगी स्थिति। खबर बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र से है, जहां स्कॉर्पियो चोरी मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों से एक जिंदा कारतूस बरामद किया। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर जोधपुर से सुबह स्कॉर्पियो चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद गाड़ी की लोकेशन बालोतरा होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। ऐसे में बदमाशों ने पीसीआर गाड़ी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को भगा ले गए, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए इंद्राणा गाँव में बदमाशों को धर दबोचा, जहाँ गाड़ी में सवार बदमाशों ने हवाई फायर किया, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में पचपदरा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में चोरों की धमाचौकड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां किराना की दुकान में वारदात करने के दौरान चोर नाचते नजर आए। इस दौरान चोर करीब 1 लाख रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पार कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पाली एसपी कालूराम रावत के निर्देश पर चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सिरियारी पुलिस ने सिंचाड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। इन आरोपियों ने एक सोने के मकान को निशाना बनाकर 2 किलो चांदी के जेवरात पार किए थे। पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। सुमेरपुर उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल ने तखतगढ़ नगरपालिका का निरीक्षण किया। प्रशासन शहरों के संग शिविर की तैयारियों को लेकर अधिशासी अधिकारी ने ओम प्रकाश दाधीत से जानकारी ली। पहली बार नगरपालिका पहुंचने पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने उपखंड अधिकारी को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता वीरेंद्र सिंह पवार से नगर में विद्युत समस्याओं को लेकर जानकारी ली। वहीं पानी की समस्या को लेकर बताया कि जवाई बांध में पानी नहीं होने के कारण नगर में पानी की थोड़ी समस्या आ रही है। इसके बाद उपखंड अधिकारी ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इंदिरा रसोई में सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सफाई व्यवस्था सही करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई घाटे में चल रही है। जो सरकार की जो कई सारी स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी मिली, और अभी यहाँ पे इंदिरा रसोई का भी थोड़ा सा देखा यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा मुख्यतः जो प्रशासन शहरों के संग अभी अभियान जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है उसकी समीक्षा, तैयारी की समीक्षा की, और इसके अलावा नगर पालिका में जो और अन्य स्कीम चल रही है जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, उसके लिए भी आज सोमवार को इन्होंने कार्यशाला रखा। निरीक्षण के दौरान श्रीमान जी को सभी कार्यालय के कार्मिकों से परिचय करवाया गया, उनकी कार्यशैली से उनके पास क्या क्या प्रभार है, कार्य प्रभार वो बताया गया, और पालिका में स्टाफ की कमी है वो भी बताई गई। साथ ही पालिका में वर्तमान में जल्द आयोजित होने वाले प्रशासन सेनों के संग अभियान की संपूर्ण विस्तृत रेखा बताई गई, उनके कौन कौन से पट्टे बढ़ाएंगे और अब तक की क्या कार्रवाई पालिका द्वारा की गई है वो जानकारी दी गई। पंचायत राज चुनाव 2021 कामा पंचायत समिति से प्रधान पद पर डॉक्टर शहनाज खान ने जीत के दर्ज विधायक जाहिदा खान की पुत्री हैं। डॉक्टर शहनाज खान कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शहनाज खान ने किया था। आपको बता दें प्रधान पद के लिए नामांकन कांग्रेस की शहनाज खान को 13 मत मिले, तो वहीं भाजपा की धर्मवती को 4 मत मिले हैं। विधायक जाहिदा खान और पूर्व प्रधान जलीस खान मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने घोषणा की।
भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के प्रधान पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस कड़े मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश कोहली ने जीत हासिल की है। मुकेश कोहली ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी नथी सिंह को पराजित किया है। मुकेश कोहली को 23 मतों में से 14 मत मिले, जबकि नथी सिंह को 9 मत मिले हैं। ऐसे में मुकेश कोहली ने 5 मतों से जीत हासिल की है। निर्वाचन अधिकारी विनीता स्वामी ने प्रधान कोहली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और जीत का प्रमाण पत्र दिया। खबर जयपुर के दूदू से है, जहां पंचायत समिति के चुनाव में जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से प्रधान बनाने का मौका दिया, लेकिन वर्तमान विधायक बाबूलाल नागर ने भाजपा की अंतर्कलह का फायदा उठाते हुए बहुमत से दूर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी रवि चौधरी को 1 वोट से जीत दिलवाई और दूदू पंचायत समिति में कांग्रेस का परचम फहराया। मानी हमारे श्री बाबूलाल जी जो नागर है वो काफ़ी चिंतित भी है जनता के लिए और साथ ही वे कार्यशील भी है, उन्हें काफ़ी चिंता है दूदू की और मुझे जो कर्तव्य दिए गए मैं उन्हें पूरा करूँगा। जोधपुर जिला प्रमुख चुनाव में लीला मदेड़ना जिला प्रमुख बन चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस की ओर से लीला मदेड़ना का नाम सामने आने के बाद मुन्नी देवी गुदारा, नेहा चौधरी और लीला देवी ने निर्दलीय नामांकन भरा था। हालांकि चुनाव प्रभारी की ओर से यह तय कर दिया गया था कि सभी का समर्थन लीला मदेड़ना को ही मिलेगा। 1 बजे तक नामांकन वापस लेने के बाद क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए समझाइश का दौर जारी रहा। इसके बाद सभी 21 सदस्यों के वोट लीला मदेड़ना को मिले, यहां तक कि मुन्नी और नेहा ने भी लीला मदेड़ना को समर्थन दिया। मुझे लगता है कि मुझे बड़ी खुशी का मौका है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया और गांव के एजेंडर को उन्होंने बिलीव किया और गांव के व्यक्ति को यह विश्वास था कि लीला जी जोधपुर में पुनः उस पास की धारा को लेकर जाएंगी जैसे कांग्रेस की विचारधारा कभी पुनः हो। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के सांडेराव गांव में एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद सांडेराव थानाधिकारी सरजल मालिकमय पुलिस दल के मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर के लूणी इलाके में महीनों बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए और आधे घंटे तक बारिश हुई। दोपहर बाद हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं लोगों के चेहरे भी खिल गए। हालांकि इस बारिश से किसानों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बारिश की कमी के कारण पहले ही फसलें चौपट हो चुकी हैं। वहीं बारिश होने से तालाब में आवक भी शुरू हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।